जिस वक्त हम गुलबर्गा शहर में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं जो एमएलए कनीस फातिमा, मिली जुली सरकार तो बनेंगे मगर बीजेपी की सरकार नहीं बनेंगी आगे। हमारे गुलबर्गे के दो चार एमएलए करते सीएम नहीं बनता। गुलबर्गा शहर में एआईसीसी ह्यूमन राइट्स कर्नाटका प्रेसिडेंट चंद्रकांत नायक जी की हिदायत पर गुलबर्गा सिटी के ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट नदीम सेरिकार की मौजूदगी में गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा साहिबा के हाथों साउथ और सिटी के ह्यूमन राइट्स के पोस्ट दिए गए, जिसमें गुलबर्गा साउथ से ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट सूर्यकांत गड़गंची को बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिद साहब को और अब्दुल गफ्फार साहब को भी एक पोस्ट दिया गया। गुलबर्गा सिटी से भी हनुमंत निम्बुर्गा शंकर अक्षय बी रॉय चंद्रशाह गायकवाड़ इन्हें भी ह्यूमन राइट्स के पोस्ट दिए गए। और आज के इस प्रोग्राम में शामिल रहे ह्यूमन राइट्स के कई मेंबर्स जिसमें कुंदाल कामले भी शामिल रहे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा पीएनएन 24 न्यूज़ से बात करते हुए नदीम सेरिकार खालिद साहब ने क्या क्या कहे। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय एआर टाउनशिप सेल्स एंड परचेस नूर कॉलोनी नियर लिलियन पब्लिक स्कूल हुमनाबाद रोड राजेश्वर। स्पॉन्सर बाय क्यूपी हॉस्पिटल एक्सीडेंट ट्रॉमा सर्जिकल एंड क्रिटिकल केयर गुलबर्गा। मेरा नाम एमडी खालिद है। आज हमारे कनीस फातिमा के मकान पे और हमारे नदीम साहब उन्होंने हमारे को एक पोस्ट कांग्रेस पार्टी में लेकर एक पोस्ट हमको दे दिया है। वो एआईसीसी वो ह्यूमन राइट्स बोलकर एक पोस्ट दिया गया है, ताकि पहले इससे पहले मैं एक जीडीएस पार्टी में था और उसको रिज़ाइन देकर आज कांग्रेस पार्टी में आया हूँ मैं, क्योंकि आज के हालात के हिसाब से देखकर मुझे यहाँ कांग्रेस में ज्वाइन होना पड़ा, क्योंकि आज की महंगाई बहुत हो गई है और आजकल क्या हिजाब के बारे में है हर वो चीज़ के बारे में, ताकि हालत बहुत ख़राब है। अब हम सब एक होकर हमारे कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत करना, एक उनको एक ताकत दिलाना, आने वाले फ्यूचर में 2023 या 24 में हमारे कांग्रेस पार्टी का सीएम बनना, ताकि हमारे हर समाज के लोगों को फ़ायदा हो, सुकून मिले, हर बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, उनके रोज़ी रोटी चालू हो जाए, कमाई का ज़रिया हो जाए, जो आज जो परेशान हाल है लोग दुनिया में, उस हिसाब से हमको वो ये कांग्रेस पार्टी में आना पड़ा। क्योंकि हम थोड़े चार लोग उधर गए, चार लोग इधर गए, तो इसमें हमारे नए इत्तेफाकी में सीधा बीजेपी का फायदा हो जाता है। सही बात। इसलिए हम एक सोच कर एक कदम उठाए कि भाई हम सब एक होकर एक पार्टी को मजबूत करेंगे। मजबूत करना हमारा काम है और काम लेना भी हमारा है। सही बात। हमारा वोट का जो हक है, वोट डालना भी हमारा हक है, काम लेना भी हमारा हक है। अगर हम वोट उधर इधर डिवाइड हो जाएंगे, सॉलिड बीजेपी आ जाती है और हमारे लोग जाके वहीं रहते, ना नौकरी मिलेंगी ना चाकरी मिलेंगी, बेरोजगारी रहेंगी, परेशानी रहेंगी और कोरोना भी आएगा, ये हमारा ख्याल है। इसलिए हमारे और भी जो भी भाइयाँ हैं, हमारे और भी जो भी मुस्लिम भाई हैं और हर समाज के भाई हैं, उनको मैं जागृति कर रहा हूँ कि भाई सब एक हो जा, सब एक होकर जैसे जिस तरह से पहले था, जब हमारे कांग्रेस के पेट में राहुल गांधी सोनिया गांधी के पेट में जैसी परेशानी नहीं थी, जो आज इतनी परेशानी आ गई है, आज इतनी परेशानी हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। अब अगर हम कुछ जागना है, सोचना है हमको क्या करना है। अगर चार जने वो पार्टी को गए, चार जने वो पार्टी के पीछे पड़े, चार जने उसका झंडा पकड़ लिए, चार जने उसका झंडा पकड़ लिए, तो क्या होता है, उसमें हमारी कमज़ोरी हो जाती है, सॉलिड बीजेपी आ जाती है। इसलिए हम क्या चाह रहे हैं, क्या मालूम है कि हमारे सब भाई सब बहना हर समाज के लोग कि भाई आज जैसे कि 2019 में एमएलए हमारे कर्नाटक में कांग्रेस के 80 एमएलए आए थे, आपके 150 एमएलए लाने का टारगेट रखना है। आपके एमएलए 150 आए, अगर 130 भी आए तो गवर्नमेंट हमारा सीएम बैठते,
नहीं बोले तो यूनो सीएम बढ़ते यूनो रोज के कानून लगा देते, ये मेरा बोलने का मतलब है। इसलिए हमारे सब भाइयों को मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि भाई होश में आओ, जागो, सोचो, समझो, उसके बाद वोट करो। सही बात। अच्छा, तुम जेडीएस पार्टी में थे पहले, जेडीएस पार्टी छोड़ने की वजह क्या है? नहीं, जेडीएस पार्टी में थे मगर हमको बाद में मालूम पड़ा कि भाई हम जेडीएस पार्टी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई बहुमत आना करना, उनका सीएम बनना बहुत बड़ी बात है, वोट डिवाइड हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस कुछ पुश करना, हमारे जो भी है हमारे भाई एक तरफ होकर कांग्रेस कुछ हिम्मत बढ़ाना, ताकि इससे पहले हमारे कर्नाटक में 2019 में 80 एमएलए आए थे खाली, आपके 150 एमएलए लाने का टारगेट हमारा है। इसलिए अब वो 20-25 एमएलए आने से कुछ होने वाला नहीं है, 10-15 एमएलए आने से कुछ होने वाला नहीं है, 100 के ऊपर एमएलए आए तो हुकूमत हमारी बनती है। हुकूमत हमारी नहीं भी बनी तो मिली जुली की सरकार तो बराबर आपके बनेंगे, मिली जुली सरकार तो बनेंगे मगर बीजेपी की सरकार नहीं बनेंगी आगे कर्नाटक के अंदर की बात करो। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास कर रहे बोल के वोटर बीजेपी वाले बोलते हैं भाई, उनका जब मूवमेंट बनाना रहता है उनका काम है, बोलते हैं। हमको समझना, हमको सोचना ना क्या करना क्या नहीं करना। सुबह में एक कानून लगा रहे और उन्होंने देखो आज सीएम 8 दिन में महीने में एक एक सीएम बदली कर रहे वो लोग। आने रप्पा साहब हो मेहनत करे, सीएम आको दूसरे बैठे वहाँ, अब पब्लिक परेशान है, यहाँ सीएम परेशान नहीं है, कोई बड़े लोग परेशान नहीं है, जनता परेशान है। इसलिए हम जनता को जागृत कर रहे हैं भाई कि ऐसा मेहनत करो, जो मेहनत करता है उसको एक ये करो, सपोर्ट करो। आज इनको सीएम बनाए, इन्होंने सीए कुर्सी से उतरते कि दूसरा सीएम बनता, ये हालत हो रही है। इसलिए हमारे सभी अवाम को मेरा बोलने का मतलब है सब होश में आओ। इवतन दिवस खनिज फातिमा मैडम और नेतृत्व नम राजाध्यक्ष चंद्रकांत नायक नेतृत्व नम जिला सिटी एआईसीसी ह्यूमन राइट्स नदीम शेखर नेतृत्व में इवत साउथ सिटी कमिटी मेंबर्स इवतवे वो पोस्ट को दिवस होस जवाबारिया को अद्रे या इवती दिवस ऐन बीजेपी भाला सामान्य जन एला वर्गद जन भाला तौंद को कड़े लंच नड़ीता है एला कड़े 40% कलबुर्गी 50% लंच नड़ीत है अदी दक्षिण कांग्रेस पक्ष बेल वी अगे मनदारी जवाबारी को प्रतियो वार्ड बूथ लेवल कांग्रेस पक्ष वगट अदेलोस जवाबारी कोवे मैडम नेतृत्व में लेटर इी इवतीवे ना किलस स्टार्ट अदेवे इवती बंद बंदी एला नम कांग्रेस पक्षद मुखंड इवतु एआईसीसी ह्यूमन राइट्स नम कलबुर्गी जिले अध्यक्षर वो नेतृत्व नदीम शरीकर नेतृत्व मैडम खनिज फातिमा बेगम मैडम वो अमृत हस्तद ह्यूमन राइट्स कमिटी स्थापित और ना आदेश पत्र ना तेजको इवतु कांग्रेस पक्ष बलपड़ोकोस्कर नम साउथ सिटी कलबुर्गी जिले एला वो कांग्रेस पक्षद बलपड़ोकोस्कर इवती दिन एलरना आदेश पत्र ना पड़ेलायतु इवतु कांग्रेस पक्ष अधिकारदल्ली इल्ल आदरे इवत्तिन बीजेपी सरकार इवत्तु हिंदू अंतकंत वंदु अजेंडा इट्कोंडु मैनारिटी इरबहुदु दलितरिगे इरबहुदु आमेले इन्नू अनेक हिंदुळिद वर्गक्के इवत्तु अन्याय माड्ता इदे बीजेपी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप सबको नमस्ते। आज मैडम कनीस फातिमा एमएलए गुलबर्गा नॉर्थ के अंडर द लीडरशिप में सिटी कमेटी साउथ कमेटी ये दोनों कमेटियों को अलग किया गया है। एआईसीसी ह्यूमन राइट्स कमेटी की जानिब से मैं स्टेट प्रेसिडेंट हमारे चंद्रकांत नायक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और
जितने भी हमारे गुलबर्गा सिटी और साउथ के और नॉर्थ के भी जो होने वाले मेंबर्स हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शिद्दत से पिछले 2 महीने से काम किया है। और मैंने भी उनको टेस्ट किया था कि ये लोग इन सैक्रिफाइस को कुछ समझ सकते या नहीं बोलकर, तो मैंने इनको समझा है। मैंने आज समझकर उनको, मैं उनको एक अहदा दिया है उनको काम करने के लिए, यानी कि उनको अहदा नहीं मिला तो कुछ वो लोग भी समझते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे पास पावर नहीं है। तो आज मैडम के, कनिष फातिमा मैडम के अंडर द लीडरशिप में उनको, मैं उनको लेटर दिया हुआ हूँ। और मैडम कनिष फातिमा ने जी भी, मैडम कनिष फातिमा जी ने भी आश्वासन दिया है कि वो हर वक्त हमारे साथ है और वो हर वक्त हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सीगी मोटर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शोरूम अपोजिट केबी ऑफिस दुबई प्लाजा हमनाबाद। यस महबूब धाबा वेज एंड नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट मुंबई टू हैदराबाद रोड NH 65 नॉलेज पार्क हाई स्कूल के HB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण।